हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। आज के सेक्शन में हम बात करने वाले हैं विस्कोसिटी की। जो दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच रही थी, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हम देखने वाले थे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट्स और सॉफ्ट एंड बेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले थे। हम चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट्स, हम इसमें देखेंगे कि इसमें दो प्लेट्स होती हैं। एक फिक्स प्लेट होती है और एक मूविंग प्लेट होती है जो बी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये बीच में फ्लूड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी फ्लूड की डेंसिटी रो है। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये है, जब हम इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है। जो ऊपर की प्लेट या टॉप प्लेट की वेलोसिटी है वो कैपिटल बी है, और ये फिक्स प्लेट, इसकी वेलोसिटी बी इक्वल टू जीरो होने वाली है। और द गैप बिटवीन द प्लेट्स है यहाँ पे एच, गैप बिटवीन प्लेट्स है यहाँ पे एच। और हम इसका वेलोसिटी डायग्राम को कुछ इस तरह से देखने वाले हैं। ऊपर की लेयर की वेलोसिटी है बी, और ये यहाँ पे गैप है यहाँ पे एच, और दूसरी हमने कोई लेयर अज्यूम कर रखी, उसकी वेलोसिटी है यू, और उसकी फिक्स प्लेट से हमने जो उस लेयर की डेम हाइट मान रखी है वो अपनी बाई। तो इस तरह से यहाँ पे हम अगर सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से चलेंगे, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं यू इक्वल टू निकलने वाला है बी अपॉन एच इंटू बाई। यहाँ पे u इक्वल टू है वेलोसिटी ऑफ एनी लेयर, स्मॉल y इक्वल टू द हाइट फ्रॉम द फिक्स प्लेट टू दैट लेयर। देखिए यहाँ से अपनी ये वेलोसिटी निकल गई, अगर लीनियर प्रोफाइल है तब। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है तब कुछ ये निकल के आता है, और अगर हम देखते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर नहीं है तो कुछ इस तरह से निकल के आता है। इसकी वेलोसिटी है बी, तो इसकी वेलोसिटी है यू, इसकी कुछ और होगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। हर एक लेयर के लिए वेलोसिटी अलग अलग तरह से वेलोसिटी प्रोफाइल को कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब ये लीनियर प्रोफाइल थी तो यू इक्वल टू बी अपान एच इन टू बाई हमने कैलकुलेट किया था। और जब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से इसका ये जो ग्रेडियंट है ये कॉन्स्टेंट होने वाला है, जिसे कहते हैं डी अपान डी बाई। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट होने वाला, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, हम जानते हैं थीटा प्रोपोर्शनल टू यू डी यू अपॉन डी वाई। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा तो सीयर स्ट्रेस भी कांस्टेंट होगी, सीयर स्ट्रेंथ भी सेम रहने वाली है, या सीयर स्ट्रेस कह सकते हो। तो उसकी सीयर स्ट्रेस भी सेम रहने वाली है। जो टॉप लेयर की सीयर स्ट्रेंथ रहेगी वही बॉटम लेयर की सीयर स्ट्रेंथ रहेगी, या फिर कोई भी लेयर पर जा सकते हैं, पर टॉप प्लेट का एरिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीयरिंग फोर्स की। हम सीयर स्ट्रेंथ तो हम जानते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये निकला था। अगर हमने वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर मान रखी तो टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन एच आएगा। और फोर्स देखते हैं क्या होता है, सीयरिंग फोर्स, सीयर फोर्स निकलने वाला है टाउ इंटू एरिया, एरिया ऑफ द टॉप प्लेट। तो यहाँ से निकला म्यू इक्वल टू बी अपान एच इंटू एरिया ऑफ द टॉप प्लेट, ये सीयर फोर्स हो जाएगा। सीयर फोर्स निकल गया, हम देखने वाले हैं पावर। पावर नीडेड क्या निकलेगी, पावर, तो पावर नीडेड निकलने वाली है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया था, फोर्स क्या कैलकुलेट किया था, म्यू बी अपान एच इंटू ए, और जब वेलोसिटीज मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी यू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, पावर भी निकल गई, ये भी निकल गया। अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। हम इस क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से डील करते हैं, आइए हम न्यूमेरिकल में चलते हैं। ओके, जैसा आपने ये क्वेश्चन दिया है, इन द कंसीडर ए फ्लूड फ्लो बिटवीन टू इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स विच आर पैरेलल। हमने
फ्लूड फ्लो को कंसीडर किया है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और उनके बीच का गैप दे रखा है 50 mm, 50 mm गैप दे रखा है। टॉप प्लेट इज स्लाइडिंग पैरेलल टू द स्टेशनरी बॉटम प्लेट एट द स्पीड ऑफ, जो टॉप प्लेट है वो स्लाइड कर रही है कितनी स्पीड से, वो 3 meter per second की स्पीड से, 3 meter per second की स्पीड से टॉप प्लेट स्लाइड कर रही है। अब पूछा था फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉटम प्लेट, फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम समझ सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है शियर स्ट्रेस, तो टाउ इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब आई एफ अपॉन ए। जब ये होता है तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला सिंपल जानते हैं क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई बात करेंगे जब कोई भी, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल का चर्चा नहीं किया गया, वेलोसिटी प्रोफाइल की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल को लीनियर मानने वाले हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल को लीनियर मानने वाले हैं। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस इस प्लेट की होगी वही शियर स्ट्रेस इस प्लेट की होगी, जो फोर्स पर यूनिट एरिया बॉटम प्लेट पर होगा वही फोर्स पर यूनिट एरिया टॉप प्लेट पर होने वाला है, या किसी भी लेयर पर देखेंगे किसी भी लेयर पर वही फोर्स पर यूनिट एरिया होने वाला। चलिए मेंटेन द बॉटम प्लेट, याद रहे पूछा है मेंटेन द बॉटम प्लेट को, बॉटम प्लेट को मेंटेन करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होना चाहिए। तो देखिए इसमें म्यू क्वेश्चन में गिवन था 0.44 किलोग्राम पर मीटर सेकंड, ये गिवन था, और यहाँ पे डेंसिटी भी 888 किलोग्राम पर मीटर की गिवन थी। ओके अब हम ये पूछा है सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए हम जाने वाले म्यू इक्वल टू डी यू अपॉन डी बाई, तो डी यू को हम मानने वाले हैं बी वेलोसिटी ऑफ द प्लेट, और डी वाई को मानने वाले हैं द गैप बिटवीन द प्लेट्स, द गैप बिटवीन द प्लेट्स क्या है बाई इक्वल टू 50 mm। ओके तो चलिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह सॉल्व होने वाला, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब देखिए तो टाउ इक्वल टू हमने माना है कि म्यू डी यू वेलोसिटी प्रोफाइल लीनियर है, तो बी अपॉन एच माना जाएगा। ओके तो म्यू की वैल्यू 0.44 दे रखी है, 0.44 बी वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी थी 3 meter per second, तो 3 meter per second ये हो जाए, एच की वैल्यू 50 mm दे रखी थी, तो 50 mm को 50 × 10⁻³ करने वाले हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, टाउ इक्वल टू 0.44 × 3/50 × 10⁻³, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है उस वैल्यू को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके अब हम नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड बेयरिंग। तो सॉफ्ट एंड बेयरिंग में कॉन्सेप्ट, सॉफ्ट एंड बेयरिंग के कॉन्सेप्ट में आप सोच रहे होंगे इसमें क्या होना चाहिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ओके हम यहाँ पे देखेंगे ये बियरिंग बनी हुई है, बियरिंग के बीच में शाफ्ट है कोई, और इसमें लिक्विड फिल हो रहा है, ये लिक्विड भरा हुआ है क्या, वैसे तो लुब्रिकेंट भरा हुआ है। जब ये शाफ्ट इसमें NRPM के हिसाब से चलेगी तब इसमें फोर्स क्या होने वाला है, शियर स्ट्रेस क्या होने वाला है, टॉर्क क्या लगने वाला है, सॉफ्ट चलेगी तो टॉर्क भी देखेंगे, टॉर्क क्या होने वाला है, और जो जो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं डायमीटर ऑफ बियरिंग इज कैपिटल डी, द डायमीटर ऑफ सॉफ्ट इज स्मॉल डी, तो यहाँ पे गैप क्या होने वाला, गैप इज दिस पार्ट, ये अपना गैप है जिसको हम एच बोलते थे, ये गैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्लेट्स की बात करेंगे, गैप बिटवीन द प्लेट्स ये होने वाला। तो चलिए अब हम स्टार्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो उस वाली कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था, जब कुछ ये कंसीडर किया था तो हमने टाउ की वैल्यू म्यू डी यू अपॉन डी वाई कैलकुलेट करी थी, एफ़ की वैल्यू टाउ इंटू एरिया कैलकुलेट करी थी, टाउ इंटू एरिया कैलकुलेट करी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ओके, टाउ इक्वल टू म्यू, यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल को हम लीनियर कंसीडर करने वाले, बी अपान एच होगा, और यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो म्यू इंटू बी एच इंटू ए होगा। तो यहाँ से और हम अगर बात करेंगे पावर की तो फोर्स इंटू वेलोसिटी होने वाला है। अब हम यहाँ पे कौन कौन सा अननोन होने वाला है, यहाँ पे बी को क्या देखेंगे और एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमने शाफ्ट का जो भी हमने शाफ्ट का फार्मूला बनाया था, शाफ्ट का डायग्राम जो बनाया बनाया था अभी, इसमें हम देखने वाले हैं अगर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे और ये जो इसमें लेंथ दी गई है, द लेंथ ऑफ शाफ्ट जो बियरिंग में है, जो लुब्रिकेंट में लेंथ ऑफ शाफ्ट जो चल रही है, तो यहाँ से हम देखने वाले हैं अगर हम एरिया को कैलकुलेट करेंगे, एरिया इक्वल टू हो जाएगा अपना पाई डी इज़ द पेरीमीटर ऑफ द शाफ्ट और लेंथ आ जाएगा, तो एरिया को पाई डी एल करने वाले हैं। और अगर हम यहाँ से बात करें वेलोसिटी, बी इक्वल टू होता है आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई एन, ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई एन, और पर सेकंड की बात करोगे तो 60 से डिवाइड करेंगे हम। और चलिए हम यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला देखने वाले हैं क्या बनता है। वेलोसिटी इक्वल टू बनेगा पाई डी एन बाई 60, और एरिया बनेगा पाई डी एल, बस और कुछ नहीं है शाफ्ट एंड बियरिंग की कॉन्सेप्ट में, जो हम पैरेलल प्लेट की कॉन्सेप्ट में करते थे भाई हम इसमें करने वाले हैं। बट एरिया और वेलोसिटी की पोजीशन पे हम इन फार्मूलाज का प्रयोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं एक बार फिर से फार्मूला का रिव्यू करा देते हैं। टाउ इक्वल टू म्यू बी अपान एच था, फोर्स इक्वल टू म्यू बी अपान एच इंटू ए था, पावर का फार्मूला था म्यू बी स्क्वायर एच इंटू ए था। अब बात आती है यहाँ पे टार्क, टार्क की बात आती है कि टार्क क्या होना चाहिए, टार्क होता है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं फोर्स इंटू रेडियस की बात करेंगे, एफ इंटू आर, आर है अपना डी बाई टू, ओके, डायमीटर ऑफ शाफ्ट यहाँ पे कंसिडर किया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसका कौन सा न्यूमेरिकल पोर्शन था, हम उस न्यूमेरिकल पोर्शन को देखने वाले हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, ये जनरल बियरिंग हैज़ ए शाफ्ट डायमीटर ऑफ दी 40 mm एंड लेंथ इज ऑल्सो 40 mm, लेंथ कितना है 40 mm दे रखा है, डायमीटर ही 40 mm दे रखा है। म्यू विस्कोसिटी बात करेंगे, 20 mm स्मॉल m कहीं पे बना हुआ, उसका मतलब होता है मिली, 20 mPa, mPa को चलिए हम 10⁻³ में कर देते हैं, mPa ये हो गया। क्लियरेंस कितना दे रखा है, क्लियरेंस जिसको हम कहते हैं h, 0.02 mm दे रखा है, mm को भी मीटर में चेंज करिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराइए। अब इसे पूछा था टॉर्क ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, देखिए यहाँ पे ये टार्क का फार्मूला, टार्क हम जानते हैं कितना होता है, फोर्स इंटू डी वाई टू, जैसा कि हमने आपको बताया था फोर्स इंटू डी वाई टू होगा। तो पहले हम इसके लिए फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चलिए हम इसके लिए फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ इक्वल टू होने वाला है म्यू बी अपान एच इंटू ए, तो बी की वैल्यू कितनी होने वाली, पाई डी एल ना पाई डी एन बाई 60, पाई की वैल्यू रखेंगे, ओके वन मिनट,
यहाँ पे हम देखते हैं रोटेटिंग, ये इसकी वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है। ओके, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, इसीलिए पाई डी एन का फार्मूला नहीं लगाएं, वेलोसिटी की वैल्यू को डायरेक्ट रखने वाले हैं। और हमें यहाँ पे एरिया नहीं गिवन है, तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया पाई डी एल। तो पाई डी एल हम एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ से पाई ए आएगा, डायामीटर अपना 40 × 10⁻³, लेंथ भी 40 × 10⁻³ है। ओके, तो हम एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए, हम यहाँ से फोर्स का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, म्यू की वैल्यू क्या है, 20 × 10⁻³। बी की वैल्यू 20 दे रखी है, और एच की वैल्यू भी 0.2 mm दे रखी थी। ठीक है, इसको भी मीटर में बदलिए। अब यहाँ से पूछा है और एरिया बचा है, तो एरिया की वैल्यू अभी हमने क्या पुट करी थी, पाई डी एल, पाई ये हो जाएगा, डी की वैल्यू 40 और उसकी वैल्यू 40, और इधर 10⁻⁶ होने वाला है। तो इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो कुछ फोर्स की वैल्यू आएगी, तो हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, हम T = फोर्स की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी है, मान लीजिए कुछ यहाँ पे आई है फोर्स की वैल्यू, और D/2 डायामीटर अपना 40 mm था, 40 को आधा करिए, 10⁻³ करेंगे हम यहाँ से, और इस तरह से हम टार्क की वैल्यू निकाल देंगे, जो भी आने वाली 0.04 आएगी या 0.004 आएगी, जो भी आएगी उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोसेस पूरा अपना यही होने वाला है, बाकी और कुछ नहीं था। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा और देख लेते हैं, जो बहुत सी कॉम्पिटिशन में बहुत बार पूछा गया, थोड़ा इसको थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन को। ये पूछा गया था, डायमेंशंस ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। पहले तुम डायमेंशन से पहले इसके यूनिट पे जाने वाले हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं न्यू, न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो। इसकी यूनिट क्या होती है, याद रखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है इसकी यूनिट। अगर डायमेंशन की बात करें, मीटर की डायमेंशन क्या होती है, एल स्क्वायर, और सेकंड मतलब टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो इसकी डायमेंशन होने वाली एल स्क्वायर बाई टी इसकी डायमेंशन होने वाली है। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए, इरिटेट मत होइए। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।